जोर से बोलो ना। नई आइडियाज ढूंढती हुई हमारी गर्ल्स, आप देख सकते हैं अदाकारा है, कलाकार कलाकार हमारे नए। इस बच्चे को जो बोल रहा है कि करना तो कुछ नहीं है, लेकिन जब ड्राइंग जैसी बन जाए तो फिर क्या करना है? जो कुछ भी नहीं, जब जैसे बन जाए तो भाई वहाँ जैसे बैठ जाओ, है क्रेडिट ले लो पूरा, मेहनत उसकी और क्रेडिट उसकी, वो रंगोली बनी हाँ उसपे आप अपना नाम वो कर सकते हो, सुनहरे अक्षरों से अपना नाम लिख सकते हो उसपे, उस पे लगा हाथ आगे ऐसे लगना चाहिए, कैसे ओवर एक्टिंग कुछ तो होगा, कलर वगैरह हां ये कलर्स पड़े हैं, आप इनमें से चूज करो जो भी आपको डालना हो उसके लिए। ये कलर कितना सुंदर लग रहा है ना, ऑरेंज में ब्राइट, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है, ब्लू वाला ना। हां तो मैंने वाह यार, भगवान ने ऐसी कला हमारे को क्यों नहीं दी है, दिए बना हम लोग यूज ही नहीं करते ना। नहीं मैम, मैं तो आदित की हेल्प तक नहीं कर पाती हूँ ड्राइंग करने में, लड़कों में भी थोड़ा सा जोश जागा है और लड़के भी थोड़ा सा मतलब कर रहे हैं। चार लड़के एक रंगोली बना रहे हैं, हाँ देखते हैं अब इसमें, इसमें देखो चार एक रंगोली में चार लड़कों का ये नहीं करो खराब है हमारा, चलो कहीं एडजस्ट कर देंगे, ये हाथ से हो जाता है ऐसे करके। ये भगवान भाई, वो मोर वहां से उड़ के आया ना तो हमारी रंगोली खराब हो जाएगी, देख लेना पक्की जैसी, पक्की जैसी बना। इधर आओ मम्मा, सरप्राइज लाइए उर्वी के लिए, दिखाओ चाचू भाई उर्वी का सरप्राइज। कैसे कैसे किसका बैंगल चाहिए? जो मैं बनाऊं उर्वी को? नहीं हैंडू में नहीं, खुद खुद करना इसे। इधर आ जाओ, इधर आके पहन लो, या यहाँ आ जाओ, यहाँ आके पहनो, मम्मा को दिखाओ, हाँ अरुण को पहनना, पर दिखाओ तो, अरे तो मम्मा को दिखाओ तो, पहन के दिखा दो, आपकी पहन होगी भाई, आपकी मम्मा को पहन के दिखाओ, दिखाओ ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, अच्छा मम्मा मम्मा अपने बैंगल्स, अब बैंगल्स चूड़ी मम्मा चूड़ी देखो, दिखाओ, वाओ ये तो मैंने अपनी परी के लिए लाई है भाई आज धनतेरस पे, हाँ ब्यूटीफुल ठीक लग रही है ना इसकी चूड़िया, हाँ मम्मा दिखाओ, जो दिखाओ बैंगल्स चूड़ी, दिखाओ चूड़ी चाचू को, वाओ कौन सा कलर है, वाओ किसने दिया यार को, मम्मा ने, थैंक यू बोला मम्मा को, थैंक यू बोला, ओके गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आज के इस वीडियो में भी। शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज गए हैं 7 और आज है धनतेरस, तो ऑफिस से निकलते ही हम लोग चले गए थे मार्केट में और मेरे ऑफिस में है काजल लड़की एक, उसके साथ फिर हम लोग गए थे कि हाँ चलो आज धनतेरस है, फिर धनतेरस पे कुछ ना कुछ खरीद लिया जाए, तो मैंने उर्वी के लिए एक कंगन खरीदे हैं और अपने लिए भी एक ऐसे कंगन खरीदे, वैसे तो हमारे यहाँ पे चांदी पहनने के लिए मना करते हैं शादी के बाद हाथों में, पर मैंने ना थोड़े सॉरी मेरे को नीरज ने जो ब्रेसलेट दिया था वो भी चांदी का ही था, जो मैं इतने टाइम से हाथ में पहन के रखती थी, बट अभी उसके लॉक में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो फिर मैंने वो उतारा है, तो उसी टाइप की मैंने जो है बैंगल्स लिए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन धनतेरस के दिन लिए तो उनको फिर थोड़ा सा मतलब पहले मैं पूजा वगैरह कर लूँगी, उर्वी की बैंगल्स मैंने आपको दिखाई थी, इसको भी मैं गई इसके लिए लेनी थी बट वो मेरे साइज़ की मुझे मिल गई, जैसी इसके लिए लेनी थी बच्चों के साइज़ की मिली नहीं, तो इसके लिए मैं घुमारवी से बनवा लूँगी क्योंकि पहले भी चाची ने दी थी, और हीरो हीरा लाल जा रहा है जिम बॉडी बना रहे, आवाज कर दे कम, ये सॉरी गैस कर दे कम लो, हाँ सिम कर दे, तो ये जिम जा रहा है अभी 7 बज गए क्योंकि बाहर आज इतनी ज्यादा ठंड है, इतनी ज्यादा ठंड है, मैं इतने बुरे तरीके से भीगी थी ना कि मैं अभी यहाँ पे ऐसे ब्लोर लगा के यहाँ पे
बैठ गई हूँ। ओके दरवाजा फेर दियो और तो इसको तो मैंने कैश दे दिया क्योंकि धनतेरस है आज, तो इसको मैंने पैसे दे दिए क्योंकि अब लड़कों का समझ नहीं आता कि इनको क्या लेना। और आदित को भी मैं अभी पैसे ही दूंगी। आदित को मैंने सोचने के लिए बोला कि आदित आपको कितने पैसे चाहिए धनतेरस पे, तो अभी तक आदित बोल रहा है अच्छा मम्मा मैं ना सोच के बताता हूँ। तो मैं आपको ना बैंगल्स दिखाती हूँ, बट पहले मैं इसकी ये कम कर देती हूँ क्योंकि हॉट पे चला रखा है इसने तो एकदम गर्म गर्म वो आ रही है। तो अभी मुझे आटे का दिया बनाना है और फिर अभी धनतेरस की पूजा करेंगे। बट नीरज जो है वो दुकान चले गए हैं झाड़ू लाने के लिए, कह रहे झाड़ू की जगह वाइपर ही ले आऊं। देखो ये है मेरा बैंगल्स का डब्बा और बहुत ही सुंदर सी है ये बैंगल्स, इस तरीके की बैंगल्स है ये देखो। और इसमें ना ये मल्टी कलर्स कैसे नग लगे। अब यार मुझे नहीं समझ आता कि यहाँ पे हिमाचल में बहुत सारी जगह अपर शिमला में सारी लेडीज कड़े पहनती है, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो सब पहनते हैं। और फिर यहाँ पे कांगड़ा में भी मैंने देखा बहुत सारी लेडीज पहनती है, कुछ कुछ नहीं पहनती बट बहुत सारे लोग जो है वो शादी के बाद भी चांदी पहनते हैं। वैसे तो चांदी शुभ होता है ऐसा तो कुछ नहीं होता, बाकी पता नहीं आप भी अपने थॉट्स जो है बता सकते हो मुझे। लेकिन मुझे इसका डिज़ाइन बड़ा जो है सुंदर लगा। ऐसी उर्वी चाचू ही होगा, ऐसी सेम उर्वी के पास थी और यही ढूंढने के लिए मैं उर्वी के लिए ढूंढने के लिए गई थी बट इसकी तो मिली नहीं। फिर मुझे ये वाला साइज मिला फिर मैं ड्रॉप ले ली, ये ले लेती हूँ। तो ये है और एक मैं लेके आई हूँ पैर के लिए बिछियाँ, वो भी दिखाई देती हूँ आप लोगों को। एक ना मैंने ये वाली पैर की बिछियाँ खरीदी और मेरे हाथों की ना इतनी गंदी सी हालत इस पेंट की वजह से हुई है, तो ये वाली लिए मैंने पैर के लिए अपने लिए बिछियाँ। बहुत ही सुंदर लगी मुझे ये। लोग चांदी का सिक्का लेते हैं वैसे, पर चांदी के सिक्के मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं पहले से ही, तो फिर मैंने चांदी का सिक्का नहीं लिया। ये रहा, तो ये डिज़ाइन कुछ नया सा लग रहा था और मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि ये चुभेगा नहीं, बहुत ही सॉफ्ट सा है ये नीचे की साइड से, तो फिर इसलिए मैंने ये वाला लिया। ये नग आपको थोड़े ऑरेंज, दो ऑरेंज और दो मैरून से हैं ऐसे करके ये कुछ मिक्स से। और मैं लेके आई हूँ कर्टन्स पूरे घर के लिए, एक ही कलर के कर्टन्स इस बार लेके आई हूँ ताकि इनकेस जब कभी हमारा घर बने तो वो वाले कर्टन तो मैं अपने घर पे नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि मैं ऐसे बहुत भाई ऐसे बोलो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के कर्टन्स, क्वालिटी तो अच्छी है बट मैं ऐसे कोई कॉस्टली वाले या भाई मतलब ऐसे डिज़ाइनर वैसे कुछ नहीं लाई हूँ। सिंपल से कर्टन लेके आई हूँ जो मुझे लगा उस टाइम पे सही वो मैं ले आई हूँ। तो फिर ये होगा कि जब कभी मतलब अपना घर बनेगा तो घर को भी ले जा सकते हैं हम उनको, ऐसे चेंज करने के लिए कभी कर्टन चाहिए हो तो वो वहाँ पर भी यूज़ हो जाएंगे। आज बहुत बारिश हुई है और दीवारें ना फिर से गिली गिली सी हो गई है, सीलन से जैसे गिली रहती है ना वैसे ही देखो हल्की। धन धन तेरस पे धन, ये कौन देगा? पांच तुम्हारा पांच आदू का, पांच मेरा पांच आदू का। यस यार हर महीने दे दिया करो यार, हर महीने नहीं हर धन तेरस ओनली ऑन धन तेरस। पंखा तो नहीं चल रहा बाहर, धनतेरस की पूजा ऐसी होती है इस दिए से। चलो दिवाली कैसे मनाएंगे? अगर दिया पूजा ना तो टिंग 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 मैंने कर दी। मौली है इसमें हमारे ड्रॉर में पड़ी हुई। तो जैसे ही हम धनतेरस की हमने पूजा करी, फिर तुलसी माता की पूजा करी, उसके बाद बाहर मैंने देखा तो सब लोगों के घर पे जो है इस तरीके से लाइट्स वगैरह लगा के सबने अपने घर
सुंदर सुंदर से सजा रखे हैं। और ये जो दिवाली वाली वाइब होती है ना, ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही दिल को सुकून देने वाली होती है, बहुत मज़ा आता है इसमें। तो जी कुछ ऐसा रहा हमारा धनतेरस, जैसे कि आपने देखा कुछ ज़्यादा तो नहीं किया, अपने मौसम ने जो है बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर दी। इवन जो लोकल मार्केट है वहाँ पे भी जो बिक्री होती है ना वो हुई, बट उतनी नहीं, बारिश की वजह से उतनी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि लोग बारिश की वजह से अपने घरों से ही बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो ये भी रीज़न था। वीडियो जो है बहुत बड़ा नहीं बनाए और बहुत ही ऐसा कुछ स्पेशल भी नहीं बनाए, पर हाँ मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत जो भी धनतेरस का जैसे भी हमने किया, पूजा करते हुए मैंने नहीं दिखाया है, पर हाँ छोटी मोटी पूजा जैसे भी हमें आती है जिस भी तरीके से हमने कर दी है। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना। और धनतेरस पे धनिया भी लेके आए थे हम, और सूखा धनिया जो होता है साबुत धनिया वो, और झाड़ू लेके आए थे, तिल्ली वाली झाड़ू लाए थे, तो वो सब कुछ मतलब जो जो जिसने बोला कि धनतेरस पे खरीदना चाहिए वैसा हमने खरीदा। तो चलिए ये जो वीडियो है इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों से कल नई वीडियो में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे वीडियोज़ देखते रहिए।